शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं, अपनी बर्बादी का यारो ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिखरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिरते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं बक्कर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पक्कर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। गिलास दे। अरे साइकिल का पूरा ओवर रनिंग किया, अभी तक चाय नहीं पी सका। हाँ दे रहा हूँ, टायर पैसा सब कुछ किया। अरे पैसा दे देगा यार, गुरु ठीक है। तुम भी मेरे वास्ते एक चाय बना, अभी तू रख, तू रख, मैं आता हूँ उधर। जैसा गुरु, तुम भी, तूने फिर उधार दिया उन लोग को। अब मैं क्या करूँ कादर भाई, उन लोगों को उधार नहीं देता तो वो लोग चिल्लाता है, उधार देता है तो तुम चिल्लाता है, बोलो क्या करूँ मैं। आज मैं कुछ ना कुछ फैसला करके रहूंगा। ए गुरु, ए हरि, क्या बात है कादर भाई, इधर आओ तुम लोग। ए हरि, ए कुछ लफड़ा हुआ क्या लगता बाप? गुरु अपन झाड़ू मार के आता तो गुस्से में। गुरु भड़केला है। अच्छा क्या बात है कादर भाई, ये देखो, ये खोपड़ी की डायरी, ये दुखिया की और ये राजा की, इन तीनों को उधारी देते देते मेरी ये तीनों डायरियां भर गई है। गुरु ये देखो हमारी किताब, ये भी भर गई है, अब हमका दूसरी लई पड़ा है। अरे तुम लोग तो खाता लिखते भी हो, अपन कितना पैसा दे चुका मालूम है चिते? अभी क्या बोलेगा भाई लोग, मैं तो हवलदार, लेकिन मेरे से भी पैसे लेके खा गए वो लोग। ए, 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 देखो, एक तो तुम लोग उनको उधार देते हो, ऊपर से चिल्लाते हो। बस तुम लोगों ने ही उनकी आदतें बिगाड़ी हैं, उनके साथ दुश्मनी की है, उन्हें किसी काम के लायक छोड़ा ही नहीं। जब सब फोकट में मिलता है तो वो लोग भी मजा मारेंगे। अच्छा भाई आज से दुश्मनी खत्म, बस मैं बोलता हूँ वो तीनों को उधार नहीं देने का। अरे नहीं गुरु, वो बहुत बदमाश लोग, मीठी मीठी बात करके हमका मामा बनाए लेते हैं। मैं तो आज से उनको उधार देने वाला नहीं हूँ बस। अच्छा अपन एक आइडिया करते हैं। क्या क्या? इन लोगों को आने दे, अपन ठीक करते। ले गुरु, नाम लेते ही आ गए। बर्फ डाल के गला बहुत सूख रहा है, क्यों जी? ए, 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 तंबी, हाँ। तंबी, मेरे लिए भी नींबू साथ में लाना। समझ गया, गुरु गुस्सा रहा देने का। नाश्ता किया? और नहीं किया तो अपने साथ कर लेगा। नो प्रॉब्लम, नो, मिलके सब। चौरसिया भाई एक पाकिट सिगरेट दे देना। सिगरेट खत्म हो गई, और अगर है भी तब हम ना ही दे। कोई बात नहीं, हम कहीं और से ले लेंगे, कहीं और से ले लेंगे। ए तंबे क्या हुआ रे, लगता है उसको काम पे नहीं रहने का। ओ, तू पानी छोड़ यार अपना। तंबी दो अंडे की भुर्जी और दो परांठे मक्खन में जल्दी ले आ, और एक कटोरी मलाई की ले आना। पंजाब से हूं यार, पंजाब। अब मैं क्या खाऊं? अरे जो मैंने मंगाया वो तू मंगा ले, कादर भाई को खाएगा तो फिर तो खिलाता है। आई थिंक मैं भी नाश्ता कर लूंगा। हाँ, कर लो कर लो। वरना कादर भाई बुरा मान जाएंगे कि राजा साहब आपने आज नाश्ता नहीं किया। सही बात है। तुम तीनों कान खोल के सुन लो, आज से तुमको मेरी दुकान पे खाने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत मजाक करता है, बहुत मजाक। ये कोई मजाक नहीं है, अभी तुम लोग सुधर जाओ। मुफ्त में तुम लोग को आज से कुछ नहीं मिलने वाला है। गुरु जोकिंग है, समझी हैं? जिनका मुफ्त खोरी की आदत पड़ जाए वो कबून पैसा देत। और चौरसिया तू अपनी दुकान संभाल, हमारे प्यारे कादर भाई को क्यों खराब करता है? एक बात और समझ लो, आज से पैसा दिए बगैर कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे तनी जाके कहीं कुछ काम आम करो, ये मुफ्त खोरी से जिंदगी ना ही कटी है बचवा। अरे ये बेगैरत लोग हैं, जो मर्जी बोलो
इनके ऊपर कुछ असर होने वाला नहीं है भाई, दिस इज टू मच भाई जी, बहुत हो गया भाऊजी। सुनिए, ये जो उधार है ना हमारा, आप शाम तक हिसाब रेडी रखना, हम लोग एक एक पैसा चुकता देंगे काम कर कर कमा कर। और इतनी बेइज्जती की जरूरत नहीं है। नहीं है, एक एक पाई चुका देंगे मरने से पहले। जिंदगी बहुत लंबा मालूम क्या। चलो खोपड़ी जी। चलो। अरे हाँ हाँ जाओ, बहुत देखे तुम जैसे मुफ्त कर। बेइज्जती है, हम इनके भरोसे रहते हैं भाई। बात मत कर अभी तू। क्यों? अरे सब तेरे वजह से, इसके वजह से हुआ है पता है ना। कैसे? ए, मैं पराठे खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मलाइला मैं पंजाब का हूँ, ये बोलने की कोई जरूरत है? डैम इट, मैं हमें यहाँ मिला लिया तेरे उस वहां पर। तेरे को उधारी में भी इतना खाना मिलता है? अरे तो क्या करूं यार, भूख लगी थी तो कह दिया। चल जाने दे, चल जाने दे। अच्छा हुआ हमने नाटक किया। अरे भाई बुरा मान गए तो क्या हुआ, कम से कम इस बहाने सुधर तो जाएंगे। मगर राजा, अपने को सचमुच काम करना पड़ेगा क्या? पागल है क्या? काम करके कभी किसका फायदा हुआ है? नहीं तो क्या करेंगे अपन, 2 घंटा राउंड मार के वापस आ जाएंगे, सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर अपना खाता चालू। तो भूख भी अच्छी लगेगी है ना। चलो। कुछ भी बोल गुरु, इन लोगों की बातों में जादू है। आज कादर भाई ने अपना इज्जत निकल दिया ना। भौजी फ्री का खाना खाना हो तो कभी कभी गाली भी खानी पड़ती है, पर अपना कादर भाई तो ग्रेट आदमी है, देखना जब उसका गुस्सा ठंडा होगा ना कितने प्यार से खाना खिलाता है। और खाना नहीं खिलाया तो भूखा मरना पड़ेगा मालूम क्या। ना 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 ना, फिकर नॉट। अपुन को मालूम था कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा, इसीलिए अपुन लोग ने पहले से बचत करके रख दिया, लाइफ टाइम सेविंग। खोपड़ी, और ये देखो इस ऑटो का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। ये बीमारी से रे, अपुन वारिस हो जाएंगे इसके। थ्री मस्कीटर्स। खोपड़ी, इस खटारे का मालिक कौन होगा यार? दुखिया खटारा होएगा और कौन होएगा रे। भाई अपुन मालिक है इस ऑटो का, गिरधर सेठ, बहुत दिल वाला है। ये क्या एग्जीबिशन के लिए रखेला है क्या नुमाइश? क्या बात करता है, अपना धंधा ही ऑटो लेने का और बेचने का। महीने का 20-30 ऑटो तो हम ऐसे ही इधर उधर करता है। खरीदने का? क्या बात करता है, बहुत फायदा है इसमें। बना के रोड पे चलाएगा तो दिन के 250-300 रुपए आराम से कमाएगा, और आराम से पैसे कमाएगा तो इज्जत का फालूदा भी नहीं होगा। ऐसा क्या? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। दिलदार गिरधर सेठ बोलता है तो ये ऑटो खरीद लो। खरीदना है? ये चल भी सकता है क्या? क्या बात करता है, अपुन ने भी पहला ऐसे ही टूटेला रिक्शा लिया था, उसको रिपेयर करके चकाचक बनाया, चलाया, 1 से 10 बनाया। जब अपुन 1 से 10 बना सकता है, आप लोग नहीं बना सकता। मगर अपन के पास वो जरूर बना सकता है। जब दिलदार गिरधर सेठ बोलता है तो आप लोग भी 1 से 10 ऑटो बना सकता है। सौदा मंजूर? पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। कितना है? अपने पास कुल 50 रुपया। चलेगा, चलेगा। क्या खाली 50 रुपया में? 50 रुपया तो रोकना, बाकी का ऑटो रोड पे आ जावे ना तो हफ्ते। ये तो आप लोग का शक्ल देख के हमको दया आया, इसलिए दिया। अरे मगर इसका कोई लिखत पढ़ी नहीं है क्या, किताब विताब? ये रहा लिखत पढ़त किताब, अभी जल्दी से ऑटो लेके भगाओ रोड पे और 1 से 10 बनाओ। बनाएगा। और सुनो, गिरधर सेठ को बोलना नहीं, वही जो दिलदार है। यार इन लोग अभी तक नहीं आए। तुम लोग क्या है, तुम्ही लोग तो उल्टा सीधा करके भगा दिया उसको। अरे यार ऐसा तो 10 बार हुआ। मैं जाऊं उनको ढूंढने को? हाँ तू जा, तेरा ही तो इंतजार कर रहे हैं वो लोग। अरे लेकिन वो लोग हैं कहाँ? क्या ले आए तुम लोग? दिखता नहीं क्या लेके आए, चल रास्ता चौड़ा। अरे ये खटारा कहाँ से लाए? अरे ये खटारा नहीं, कचरा नहीं है ये। क्या? ये सेठ लोग का गाड़ी है। तुम लोग का ये चक्कर है क्या? अपन लोग ने डिसाइड कर लिया है कुछ करके दिखाने का नुक्कड़ को। क्या
अक्का दिन तुम लोग का गाली नहीं खाने का गुरु क्या? ए राधा, ये तो बहुत बड़े धंधे वाले हो गए हैं। बाऊजी अब देखना, एक रिक्शा से 10 रिक्शा कैसे बनाते हैं हम। लाइन लगेगी रिक्शा के, मालूम क्या? अरे मियां कादर भाई, ये अपने तीनों उस्ताद भी अजीब हैं। काम न करें तो मुसीबत और काम करें तो और मुसीबत। नहीं तो क्या, खाली पी लिए खटारा पता नहीं कहां से उठा लाए, नहीं बनने का नहीं कुछ। आओ देखो गुरु, देखो पूरा लाइफ का सेविंग लग गया, मालूम नहीं अभी करने का क्या है इसके साथ। वो काई को खोला, ये वायरिंग भी तू ही करने वाला है क्या? ओ भौजी तुम आ गए, तो आप ही ठीक कर दो भौजी। ए चले चल, मैं अपना धंधा छोड़ के तुम लोग का काम करेगा। बस क्या गुरु, बस क्या बोलता है, चल जा छाड़े जा, मेरा स्क्रू ड्राइवर पाना लेके आ। ए अरे तू मधु की साइकिल का टायर का हवा भरता है, अपना भी पंक्चर देख ले, ठीक कर देने का आ गया, समझा क्या? गुरु ने हाँ बोला ना। बाप इसका तो सारा वायरिंग है, ये तो कुछ नहीं बनने वाला है? क्या कुछ नहीं बनने वाला गुरु, इतना टॉप इलेक्ट्रिशियन हो के तू बोल रहा है क्या होने वाला है? ये गुरु के दे रहा हूं, पकड़ पाना स्क्रू ड्राइवर सब लेके आया, सब सब चलो चलो तेरे बाजू हट, चलो इनको काम करने दो, कम ऑन लेट्स गो। हां चलो चलो काम करने दो, चल ए राजा अपना रिक्शा बन जाएगा ना। अच्छा मार्किंग करके ना लफड़ा है? अरे कोई लफड़ा नहीं, बहुत क्या, खाली एक वायर है वो मिल जावे ना। बाऊजी मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा रिक्शा एक बार नुक्कड़ पे आ गया ना तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। लो चाय। ए दुखिया मेरे को चाय दे दे, मेरे को बहुत नींद आ रही है। आ, आ, ले ले ले, पुलिस वाले को जागते रहना बहुत जरूरी है ना। पी, लो, पी, राजा पी, तुम भी चाय पियो, खोपड़ी चाय ले। आ, बस बस बहुत हो गया इतना। बहुत अच्छा चाय। हट 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 हट। गुरु सब ठीक चल रहा है ना काम अंदर? क्या ठीक चल रहा है, तुम लोग इधर बैठ के चाय पी रहे, ये लो थोड़ा ये पत्रा सीधा करो। आ, पत्रा सीधा, जल्दी जल्दी पत्रा सीधा करने का है। अच्छा अच्छा चलो चले गुरु। अरे ए नीचे नीचे, पहला उसको सुलाओ। नहीं नहीं उसको सुलाओ, ये पहला कोना सीधा करने का। अरे ये क्या ठट्टे लगा रखा है, लोगों को सुने दो ना। गुप्ता जी रात के वक्त बोम्बा बोम मत करो। मगर मुझे क्यों कहता है, इन लोगों को बोलना शोर बंद करने के लिए। यहाँ पे काम बंद नहीं होगा, काम चालू है। तुम ऐसा करो, तुम कान में रुई डालो, आराम से नींद आ जाएगी। क्या कान में रुई डाल के सो जाओ, मुझे सिखाता है? ये देख, ये तुम लोग जरा आहिस्ता ठोका ठोक करो, आहिस्ता।
चल चल काम करता है सुगण पर मेरे आदमी लगे हुए हैं मेरे आदमी लगे चल काम कर चल नहीं करता कुछ अभी चल चल कादर भाई अपने दोस्त लोग सुधर गए हैं। हाँ यार अगर ऐसे ही रहा तो ये तो सच्ची धंधे वाले बन जाएंगे। हाँ ये सोच के तो हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। देखना यार मेरे बैठने की सीट उठा के ऑटो रिक्शा में फिट कर दे। मेरे भी दुकान की वायर बल्ब सब लगा दिया और इन लोग अच्छा हो जाए ना तो अपने को बहुत खुशी होगी। सच्ची बात है यार कुंडू इन लोगों का ऑटो तो बन जाएगा और जिंदगी भी बन जाएगा। चलो किसी का तो अच्छा होएगा। अपन जिंदगी भर टाकेट लगाते रहेंगे क्या दगड़ू? अपन को भी कुछ करना चाहिए है ना। हाँ यार अपन भी सोचता है कब तक झाड़ू मारता रहेगा। मेरे को भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ऑटो रिक्शा का स्टार्ट अपना गुरु करेगा। टीचर जी करेंगे। नहीं नहीं मैं नहीं ना गुरु ना मैं अपनी राधा करेगी। हाँ राधा तेरे को बताता हूँ देख ये इधर बैठने का हाँ और इधर आ ये ना इसको ऐसा वो खींचने का स्टार्ट। पहले तनी पूजा तो कर ले। पूजा कर मरिया तुम भी प्रेयर करो ना। हाँ ठीक है जी। इधर आओ इधर आओ कोई दुआ पढ़ो वो किसी की तो सुनेगा। चलो शुरू करो शुरू करो। गुरु एक मिनट राधा इधर आ इधर आ। मैं तेरे को एक बात बताता है हमने अपने ऑटो रिक्शे का नाम क्या रखा मालूम है राधा। अभी राधा अपने नाम की ऑटो रिक्शा खुद स्टार्ट करेंगी। बैठ शर्मा मत बैठ बैठ ऐसे चालू करना बंद। इसको पकड़ के खींच ले खींच। एक और बात खुशी से नाच रहे हैं लोग। अपन के घर में जिंदगी में इन लोगों को नहीं बोलता। इन लोगों का मेहनत अपन
तुम देखा है क्या करूं? फंस गया, फंस गया। अब बोल करना क्या है? करने का क्या है? मैं बताता हूँ, मेरा रिक्शा मेरे को मांगता है, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाएगा, समझे? भाई साहब जरा सबर से काम लीजिए, पुलिस को काहे को इस लफड़े में डालते हो? कुछ नहीं मांगता, अपना रिक्शा मांगता है अपने को, समझे? मैं जरा इन लोगों को जल्दी करो, जो भी करने का जल्दी करो। ये ऑटो रिक्शा चोरी की है, उसका असली मालिक वहां खड़ा है। ये चोरी की है? हाँ राजा, लेने आए गुरु। नहीं, ये रिक्शा नहीं। राजा क्या हुआ? राजा क्या हुआ? नहीं, लफड़ा हो जाएगा। क्या हुआ? क्या दुखिया? गुरु बोलते ये रिक्शा चोरी की। रिक्शा क्या लेने आए यार? क्या बात कर रहे हो? चाहे नहीं हाथ नहीं लगाया तुम अपनी गड्डी को किसी को याद, और बोलिए मैं टांग तोड़ दूंगा उसकी, हाथ तोड़ूंगा, किसने हाथ लगाया इस मेरी गड्डी को? क्या बात कर रहे हो? किधर है? किधर है वो? उधर खड़ा है। इधर उधर मालिक कौन है? मैं हूं। अरे जालिम लोग इधर आओ, इधर आओ, ये देखो कैसा बनाया हमने। तो हम क्या करें? अरे पूरा जिंदगी में हम लोग ने इतना मेहनत नहीं किया था, क्या करेगा? तुम हाथ लगाओ, हम हाथ तोड़ के अरे हाथ तो लगा के देखो। खोपड़ी खोपड़ी देख देख, जो होना था हो गया, अब सबर से काम ले। नहीं गुरु, गुरु तू उनका तारदारी कर रहा है, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ लफड़ा होगा। मैं इसे नहीं जाने दूंगी। राधा हट जा, इन लोगों को जाने दे। नहीं नहीं, मेरी बात मान राधा, जाने दे इन लोगों को। मैं इसे नहीं जाने दूंगी। हट जा राधा।